तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस मिले के आ चुका हूं आपके लिए स्क्रैप मैकेनिक का एक और नया एपिसोड। स्क्रैप मैकेनिक के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि गाइस आखिरकार हमारी गड्डी लेम्बोर्गिनी हो चुकी है रेडी। बस कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी है गड्डी, क्योंकि हमने गड्डी में लगा दिया है भाई एकदम खतरनाक वाला इंजिन, ठीक है, जो कि है अराउंड कितने लेवल 3 तक इवॉल्व बोलने वाला था भाई। मैं अभी लेवल 3 तक अपग्रेड करा हुआ हमने इंजिन अपने गाड़ी में लगा दिया है, ओके, और इसको और ज्यादा अपग्रेड करके मैक्स लेवल तक लेके जाने वाले। लेकिन भाई दिक्कत ये है कि इतना हाई पावर वाला इंजन लगा रहा हूं ना, ये देख रहे हो एक्चुअली में मेरी गाड़ी जो है ना वो आगे की तरफ से डायरेक्टली ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगाया भाई। क्या बोल आप बोलोगे भाई, क्या दिमाग लगाया तूने? तो यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगाया, अभी ये गाड़ी को अपन करने वाले ये एकदम मस्त है कि ठीक है। अभी कैसे ठीक करते देखो भाई, तुम्हारे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है भाई, ठीक है। रुक जाओ आप भी ठीक करके देता हूँ। रुको, इंजन उठा, उसके बाद गड्डी उठा, उसके बाद इंजन डाल आगे। अगर भाई आगे गाड़ी उठ रही है भाई, ठीक है, तो हम इंजन आगे डालेंगे ताकि जो वेट है ना वो आगे चला जाए। वैसे उतनी ज़्यादा साइंस अपन को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं हम, ठीक है। हम भाई साइंस वाले स्टूडेंट नहीं है, फिर भी अगर हम आगे की तरफ इंजन डालते हैं तो जो आगे की तरफ उठ रही है ना गाड़ी, वो उठना बंद कर देगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। ट्राई कर लेते, ठीक है। रुक जाओ अभी इसका वायरिंग का सेटअप वापस डालना पड़ेगा। चारों इसको पावर दे दे, अब पीछे के दो इसको इट पावर देता हूँ ना, चारों को नहीं देना, आगे की तरफ लौंडे, ठीक है, पीछे की तरफ है ना, आगे की तरफ ऐसे उल्टे, ओके नाइस, हियर वी गो। उसके बाद ये हम यहाँ पे डालेंगे, ये डालेंगे यहाँ पे लाइक दिस, एंड दोनों एक ही डायरेक्शन में, नाइस, एक्सीलेंट वर्क। इसके अंदर डाल दे भाई फ्यूल, ठीक है, हॉर्स पावर थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, अगर थोड़ा सा लफड़ी विफड़ी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, हियर वी गो। ओके, उल्टे चल रहे हैं, रुक जाओ, ओके, ये मेरे को चेंज करने दो। डन 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 डन, अभी मैंने जो दिमाग लगाया वो अभी यहाँ पे यूज मतलब वर्क करेगा कि नहीं देखने दो मेरे को। गाइज देख रहे हो, समझ रहे हो भाई, तुम्हारे भाई जैसा कोई आड़ीज नहीं है। क्या बोला था मैंने, वर्क करेगा भाई, बिल्कुल भाई, 100% भाई, देख रहे हो। अभी आगे से गाड़ी उठनी रही है, अभी आप बोले भाई 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 भाई, थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं आगे थोड़ी सी पावर दे देता हूँ, ठीक है, अगर इससे मैं आगे के टायर को पावर दे देता हूँ तो क्या होगा, आगे के पावर टायर्स को मैं थोड़ी सी पावर देता हूँ इससे, ठीक है, देखता हूँ ये थोड़ा सा चेंज कर। हाँ नाइस, हियर वी गो, ठीक चलेगी क्या? ओ भाई 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 भाई, कुछ ज़्यादा ही तेज चल गई भाई, अच्छी बात है। चलो आप बोलेंगे भाई ये गड्डी लेके कहाँ पे जा रहे हो, अबे ये गड्डी में सस्पेंशन नहीं है भाई, इतने तेजी से नहीं चलाना, ये गड्डी लेके जा रहे गाइस, ये देख रहे हो, ये गड्डी में सस्पेंशन नहीं है ना, तो थोड़ा सा भी अगर खड्डा बिड्डा आ जाता है ना डायरेक्टली उड़ जाती है गड्डी। तो हम जा रहे गाइस एम्बर लेने के लिए भाई, खतरनाक वाला लैग हो गया, ठीक है, एम्बर लेने के लिए जा रहे, क्योंकि आप बोलोगे भाई एम्बर से क्या करेगा, तो एम्बर से हमको बनाने गाइस सस्पेंशन, ताकि ये खड्डे बिड्डे या फिर थोड़ी सी भी अगर ऊंचा सरफेस आ जाता है ना थोड़ा सा, तो ये गाड़ी ये देखो देख रहे हो एक टायर कैसे उड़ गया। तो इसके लिए भाई हमको यहाँ पे लगाना है इस गाड़ी को पहले सस्पेंशन, एंड उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा गाइस स्टार्टिंग पॉइंट पे, ओके, जहाँ पे हमारी शिप जो क्रैश हुई थी ना वहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे एम्बर। वो रही वो जगह जहाँ पे हमारी शिप क्रैश हुई थी भाई। एक भी नहीं भाई, गिरना नहीं, विदाउट गिरे मेरे को वहाँ पे पहुँचना, गिरना नहीं भाई, बिना गिरे हम वहाँ पे पहुँचेंगे भाई, बिना गिरे पहुँचेंगे, ईजी पीजी गाइस। ये रास्ता मेरे को क्रॉस करने में पैदल भाई अराउंड 10 से 15 मिनट लगे थे, और गड्डी में डायरेक्टली 1 मिनट भी नहीं लगा अभी तक, ठीक है। अभी मेरे को चढ़ना है ऊपर, ओ भाई यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा ना, ए रुक जा भाई, गिरना नहीं भाई, एंड में आके गिर गई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ, हियर वी गो, ओके नाइस, यहाँ पे डाल दे, ओके हियर वी गो, वो नीचे से निकाल। ऑल राइट, चलो गड्डी यहाँ पे रहने दो, इसमें कंपोनेंट मिल जाए बस कंपोनेंट। अबे यार एनर्जी ड्रिंक मिला, अबे ये नहीं चाहिए था मेरे को, ठीक है, हमको जाना है यहाँ से ऊपर, ओके, अरे आराम से भाई, अगर सस्पेंशन लग जाए ना तो एक बार भाई लग जाए ना तो अपनी गाड़ी भाई खतरनाक बन जाएगी भाई। ये गेम का पता नहीं भाई, गेम तो भाई काफ़ी ज़्यादा टट्टी ग्राफिक नहीं बोल सकता, काफ़ी लो ग्राफिक का है, लेकिन फिर भी भाई इसको ना भाई इतना ज़्यादा ग्राफिक कार्ड, ये वो प्रोसेसर विशेसर, फिर भी ये लैग हो जाता है। मे बी ये बगी गेम है, इसके कारण में भी शायद बग है इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसके कारण ऐसे होता है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एम्बर ढूंढने, अगर रुक जा आ गड्डी ले पाओ, गड्डी सीधी भाई, ऑटोमेटिक सीधी होनी चाहिए गाड़ी, नहीं हुई क्या, ठीक है चलो, ऑलराइट यहाँ पे डाले से, हाँ नाइस, ओके ये उठा ले। अभी मेरे को ये रहा भाई, ये रहा वो पेड़, ओके, अबे यार रुक जा, इस पेड़ से मिलेंगे मेरे को बहुत ज़्यादा एम्बर, मस्त वाले भाई, इन एम्बर से अपन बनाएंगे सस्पेंशन। बाप रे बहुत ज़्यादा, क्या भाई 2 एम्बर मिले, मजाक कर रहे हो सर भाई, 2 एम्बर से तो मेरा कुछ भी नहीं बन सकता, मुश्किल से 1 सस्पेंशन बनेगा इस 2 एम्बर से, यार मजाक कर रहे हो, मेरे को ये सारे एम्बर यहाँ से उठाने पड़ेंगे मेरे को। या भाई सीड एंड ये भाई कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिल रही है भाई, ये जो लावा वाले जिसे जले हुए जो पेड़ है ना भाई, इनको तोड़ना है हमको। ओ भाई खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा एम्बर मिले, एक्सीलेंट वर्क, आ जा भाई ये ले,
ये ले, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, और यहाँ पे हमको एक और चीज़ मिलेगी, रुक जाओ, यहाँ पे हमको जो है ना सीड एंड ये मिल जाएगा, रुको रुको, यहाँ पे पता है एक जगह, ये बड़ा टूट सकता है क्या पेड़, क्या बड़ा पेड़ टूट सकता है अगर ये टूट गया, ओ भाई टूट गया भाई, नाइस, काफ़ी ज़्यादा मिला भाई, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिला, ये वाला टूटेगा, ओके ये नहीं टूटेगा, ये वाला, ओके लेट्स गो, ओके भाई नाइस नाइस नाइस, बैग फुल होने तक भाई एम्बर यहाँ से भाई भर भर के लेके जाएंगे भाई, आज आज मैं सस्पेंशन बना सकता हूँ क्या, मेरे को चाहिए मेटल भाई, गाड़ी के सस्पेंशन बनाने के लिए मेरे को मेटल चाहिए, और एक सीट भी बनाने, और सीट बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगा भाई वो कॉटन, कॉटन भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ी अपने पास है तो भाई एक मिनट में अपन पहुँच जाएंगे कॉटन के लोकेशन पे, भाई सारे जले हुए पेड़ तोड़ दिए क्या मैंने, एक भी पेड़ बचा नहीं है क्या, ये देखो यहाँ पे भाई, ये देखो यहाँ पे हमको मिलेगी भाई बैग्स, जिन बैग्स पे अपन लगा सकते भाई फार्मिंग कर सकते, ठीक है फार्मिंग कर सकते हैं, वो अपन को मिलेगा यहाँ पे चीज़, ओके ठीक है, कंपोनेंट मिला मेरे को, ओके नाइस, जब हम नए जगह पे जाते हैं ना तो थोड़ा सा एक्चुअली में इसे लैगम लैग हो जाता है, ये उठा ले रहे बाबा भाई, ये चला सकता हूँ क्या मैं, लाइक नहीं चला सकता, ठीक है ये देखो, यही तो मांगता था नंबर बच्ची, इन्वेंटरी वॉज फुल, फालतू का सामान डाल दे भाई, फालतू का सामान डाल दे पहली फुर्सत में, अभी फालतू सामान क्या है वैसे, ओ टमाटो गाजर, ओ एक काम कर, तीन गाजर है ना तेरे पास, तीन के चार, तीन के तीन गाजर खा जा भाई, वैसे भी मेरा फूड बार तो कमी है, खा ले भाई तीनों गाजर खा ले, ये मेरे को चाहिए भाई, क्योंकि इनसे भाई भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया अपन फार्मिंग कर सकते हैं भाई, उठा ले उठा ले उठा ले, इन्वेंटरी वॉज फुल, वो द पाँच हो गए भाई, कच करके पाँच हो गए, अभी मैं क्या डाल दूँ, अभी मैं क्या डाल दूँ, ये एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, ये ड्रॉप कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा पड़ा होता मेरे पास, ओके ठीक है, सीड्स उठा ले, नाइस, फर्टिलाइजर 15 है यहाँ पे, नाइस, अबे यार ये फर्टिलाइजर तो चाहिए होगा, कौन डाल दे भाई, भाई फर्टिलाइजर से तो अपनी खेती बनेगी, ये बकेट तो मैं बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, उठा ले उठा ले, नाइस उठा ले भाई, जमीन पे पड़ी हुई भी भाई उठा रहा हूँ बैग्स में, ठीक है उठा ले, नाइस, मेरा इन्वेंटरी वापस से फुल होने वाले, ये ले भाई, अभी क्या बचा भाई जो मैं फेंक सकता हूँ, ये स्क्रैप वाला ये फेंक दूँ क्या, मैं स्क्रैप वाला फेंक दूँ क्या, वैसे मेरे किसी काम का तो नहीं है ना फिलहाल, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा ये लगा था यार, ये फेंक नहीं सकता मैं, ये मैं फेंक नहीं सकता, मेरे पास टमाटोज है, पोटैटोज है, पोटैटोज का एक बकेट फेंक देता हूँ, वेट ये पोटैटोज में कंबाइन कर सकता हूँ ना, कंबाइन हो गए भाई, नाइस खतरनाक, चलो भाई यहाँ से सारे उठा लिया, अभी हमको जाने वापस से बेस पे नहीं निकलेंगे, हम जाएंगे भाई कॉटन लेने के लिए, ठीक है हम जाएंगे कॉटन लेने के लिए, यहाँ से डायरेक्टली कॉटन लेने के लिए जाएंगे, यहाँ पे बकेट से, लेकिन बकेट लेने के लिए मेरे पास इन्वेंटरी में जगह नहीं बची हुई है, एक काम कर लेते, कॉटन लेने के लिए मेरे को बेस के पास ही जाना पड़ेगा, तो ये सामान मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और निकल लूंगा, गड्डी लेट्स गो, ये निकाल दे भाई, अच्छा निकाल दिया है ना, ओके ओके गो, बैठे भाई, ये बाप रे भाई आसमान में उड़ा दिया भाई, ओके हियर वी गो, नाइस ऑल राइट, वापस ही घुमानी पड़ेगी क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जा, इंजन की पावर कम कर दे भाई, इंजन की पावर थोड़ी सी कम कर दे, भले स्लो चल जाए भाई गाड़ी, लेकिन इतना उड़े ना है भाई, इतना उड़े नहीं, इतना उड़े नहीं, ओके हियर वी गो, लेट्स गो गाइस, अबे भाई बाय 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 बाय, जरा से भाई खड्डे पे से उड़ रही है ना, डायरेक्टली उल्टी होने के चांसेस ज़्यादा है, ये देखो भाई, कास्ट सस्पेंशन होते अपने पास, कास्ट सस्पेंशन होते भाई, मजा आ जाता है यार, कोई ना चलो अपन बना लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके नाइस, भाई इस तरफ क्यों लग रही है मेरे को भाई, मुंह उस तरफ करके लगानी पड़ेगी ये गाड़ी, ओके ठीक है, अरे भाई 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 थोड़ा संभल के, अरे 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 खतरनाक, शायद मैं ये सीट अगर अच्छा वाला लगा दूंगा ना तो मेरी कंट्रोल अच्छी होगी गाड़ी है, क्या बोलते हो, अगर मैं अच्छा वाला जो हाई क्वालिटी का सीट है ना अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो शायद ये कंट्रोल हो सकती है गाड़ी, मे बी देखना पड़ेगा, चलो ऑल राइट हियर वी गो, चलो अपन उस लोग, अबे भाई रुक जा, ये पहले मांगता भाई, इसमें भाई मेरे को कंपोनेंट किट मिल जाएगी शायद, अबे नहीं यार सर्किट बोर्ड मिला यार, काफ़ी नल्ली सी चीज़ मिली, ओके ठीक है लेट्स गो, ओके आराम से, ओके चलो भाई, जहाँ पे कॉटन मिलता है ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपन फटाक से, अबे भाई 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 सीधी होनी चाहिए भाई, गाड़ी सीधी होनी चाहिए, अबे यार ये कितनी बार गिरेगी मेरे को पता नहीं भाई, पूरे रास्ते में ये कितनी बार गिरने वाली है, ये गाड़ी कितनी बार गिरेगी मेरे को पता नहीं भाई, ओके ठीक है हियर वी गो, ये ले चलो भाई, जहाँ से कॉटन मिलता है ना वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, और कॉटन लेके भाई इसके लिए अच्छी सी सीड बना लेते फिर शायद, ओ भाई भाई कौन सीड्स तोड़ते हुए जा रही है भाई, मैं उठा भी नहीं सकता क्योंकि मेरी इन्वेंटरी फुल है भाई, ठीक है चलो निकल लेते हैं वहाँ पे, ये गाइज ये शॉप देख रहे हो गाइज, ये शॉप्स देख रहे हो, यहाँ पे भी हमको खतरनाक वाला मटेरियल मिल सकता है भाई, यहाँ पे मेरे को फार्मिंग के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, ठीक है लेकिन अभी अपन कुछ कर नहीं सकते, अभी अपन कल्टी मारते पहली फुर्सत में कल्टी मारते, निकलना रे बाबा, ठीक है मेरे को चाहिए कॉटन, ये जो शॉप है ना वो अपन बाद में लूटेंगे, जब हम फार्मिंग वर्मिंग करने आएंगे ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीड्स हमको मिल जाएंगी, ठीक है हमको जाना है जहाँ पे, वहाँ पे हमको एक बुढ़ा मिलता है, उस बुढ़े को अगर हम
ट्रेडर के पास दे देते हैं ना तो अपन को गन दे सकता है बुड्ढा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे है कि नहीं। ओके रुक जाओ भाई, गाड़ी भाई 100 बार पलटी मार चुके हैं भाई अभी तक, पता नहीं क्या सीन है। मेरे को लंबी बनानी चाहिए थी क्या, एकदम ज़्यादा ही पतली बन गई है क्या गाड़ी मेरी, लग तो वैसी रहा है उसके कारण बार बार भाई उल्टी मार रही है क्या, गुलाटियाँ मार रही है क्या शायद, पता नहीं। चलो भाई निकल लेते आगे, और आगे देखते यहाँ पे कॉटन तो होता था, लेकिन इन्होंने भाई यहाँ पे नई चीज़ें जो ऐड करी है ना, उसके बाद यहाँ पे कॉटन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने कॉटन पिछले बार जब मैं खेल रहा था ना तो यही से उठाया था। वो यहाँ पे ये है ना भाई, फार्म है भाई, खतरनाक फार्म है यार। ओ भाई अबे फार्म के अंदर भाई रोबोज है भाई, निकल निकल भाई, भाई घास में दिख भी नहीं रहे थे। पलटी मार दी, नाइस 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 नाइस, ओपी 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 ओपी, रुक जा इसकी इसकी इतनी स्पीड है ना भाई क्या ही बोले। ओबे नहीं 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 नहीं, रिंगा रिंगा रोजेस, निकल भाई भाई दोनों को यही से ही मार दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे जात का उड़ापा मारूं, क्योंकि अगर इन्होंने भाई मेरा सीट तोड़ा ना, पहली पहली चीज़ क्या तोड़ते पता है, कि हमेशा हमेशा आपकी पहली चीज़ तोड़ेंगे भाई ये सीट, हमेशा भाई आपकी सीट तोड़ते, पता नहीं क्यों क्या चुल मची होती है इनको, हमेशा भाई आपकी पहली सीट तोड़ेंगे सीट, एंड उसके बाद भाई डायरेक्टली आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल। रुक जाओ भाई रुक जाओ भाई रुक जा रुक जा, अभी गिर जाओ यार दोनों गिर जाओ एक साथ, मेरे को गाड़ी को ठीक करना है भाई, भाई दोनों गिर जाओ यार दोनों गिर जाओ भाई, अभी हाँ नाइस 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 नाइस, तू भी गिर जा, अभी गिर जा, हाँ नाइस नाइस नाइस, तू भी गिर जा भाई लोंडे, नाइस ओके ओके ओके। अभी भाई तेरी माँ का साकी नाका, इधर आ, अगर गाड़ी को कुछ भी हुआ ना तो दिखा देता हूँ तुमको, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, भले मेरे को मार दो, गाड़ी का अगर सीट तोड़ा ना तुमने, तुम्हारी जात का वड़ापाव मार दूंगा। ओके ठीक है, उठा ले उठा ले, ये क्या पड़ा, अच्छा कौन नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं चाहिए, ओके ये उठा लेता, रुक जाओ ये उठाता हूँ, उसके बाद निकलते अपन भाई फटाक से। क्या चाहिए था हमको, मैं भूल गया भाई, कॉटन ना आई थिंक, हाँ कॉटन लेने के लिए, रुक जाओ। 5 minutes later ओके ठीक है, गैया सर जी जरा सा साइड में हट जाइए, वरना भाई आपके ऊपर गाड़ी चला दी जाएगी भाई। ओके यहाँ पे हनी भी है, हनी तो नहीं चाहिए मेरे को, फिलहाल कॉटन चाहिए। भाई कॉटन की लोकेशन बदल दी क्या इन्होंने, यहाँ पे बड़ी सी फैक्ट्री डाल दी भाई, पहले यहाँ पे कॉटन मिला करता था भाई, यस गाइस यहाँ पे पहले कॉटन मिला करता था भाई, इन्होंने ये चेंज कर दिया है क्या लोकेशन, यहाँ पे रेड पेड़ जो होते हैं ना वो वाला कोई एरिया था, अभी काफ़ी ज़्यादा कॉटन मिलता है, वो शायद उन्होंने ऊपर डाल दिया क्या, थोड़ा सा लैग हुआ क्योंकि अपन नए लोकेशन पे आ चुके हैं इसके कारण गाइस, ठीक है और कुछ बात नहीं है। ओके ओ भाई 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 भाई, भाई कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है। ओके भाई ओ भाई 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 साहब कितनी बड़ी फैक्ट्री है भाई ये, भाई जब तक पूरी रेंडर नहीं होती ना तब तक थोड़ा थोड़ा गेम अटकता रहेगा भाई। रुक जाओ मेरे को कॉटन चाहिए कुछ भी करके, इन्होंने एरिया बदल के भाई, हाँ वो शायद एरिया है वहाँ पे, शायद ये एरिया है, मे बी गाड़ी है तो अच्छी बात है, हाँ शायद यहाँ पे थोड़े से रेड रेड पेड़ दिख रहे हैं तो मे बी यहाँ पे हमको वो चीज़ मिल सकती है, कॉटन मिल सकता है हमको यहाँ पे, और थोड़ा अंदर जंगल के अंदर चला जाता हूँ मैं भाई। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सीधी हो जा गाड़ी, अबे मादर बट इधर आवे, निकल 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 पहली फुर्सत में चल। ओके ठीक है, हियर वी गो ऑल राइट सर जी। भाई कहाँ पे कॉटन, भाई कॉटन वाला एरिया इन्होंने बदल के भाई बहुत ज़्यादा बड़ी भाई गलती कर दी यार भाई मेरे को भाई, एक तो भाई इस गेम में मैं नूब ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है, मैं थोड़ा सा खेला था उसके बाद मेरे को पता चला था यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, अभी वो भी लोकेशन इन्होंने बदल दी भाई, ये देख रहे हो पहले ऊपर से लैग हो रहा है भाई गेम मादर बट, नए लोकेशन पे जाते ही लैग हो रहा है। ओके ठीक है भाई, कॉटन मिल जाए यार, कॉटन वाला एरिया कहाँ पे चला गया भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिखाई दे रही है ओनली मेरे को लगता नहीं आज मैं कॉटन ढूंढ पाऊँगा भाई, मेरे को लगता नहीं भाई, मेरे चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं मेरे को कि अभी मेरे को कॉटन मिलेगा करके। ठीक है भाई निकल भाई, ओके रुक जाओ मैं ढूंढ लेता हूँ, रुको मैं आजू बाजू यहाँ पे कभी मिलता है क्या ढूंढता हूँ, अगर नहीं मिला ना तो कुछ कर नहीं सकते, फिर हमको शायद यही सीट यूज़ करनी पड़ेगी। एक तो ये गाड़ी भाई 17 बार टेढ़ी आड़ी मेढ़ी टेढ़ी हो रही है भाई, अभी जाओ ना, अभी यार वो बड़ा वाला आ गया भाई, ठीक है रुक जाओ इसको मारने दो इसको, निकल 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 निकल, ओके नाइस ठीक है रिफाइन कर देता हूँ एंड उसके बाद अपन निकल लेते, रुक जाओ मैं कॉटन ढूंढ के रहूँगा आज कुछ भी हो जाए, वेट। 2 hours later गाइस यहाँ पे भाई रात होने को आई, लेकिन मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी भाई कॉटन दिखाई नहीं दे रहा भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ भाई, हद से ज़्यादा आगे आ चुका हूँ एंड मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी कॉटन दिखाई नहीं दे रहा। एक काम कर लेता हूँ, मेरे को रिटर्न जाना पड़ेगा, मेरे को वापस से जाना पड़ेगा मैकेनिक स्टेट वे पॉइंट। ओके ठीक है रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे कॉटन दिखाई नहीं दे रहा भाई, बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ मैं सच में भाई, बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया भाई, शायद वो अपोजिट में है क्या वो जंगल, उन्होंने अपोजिट में डाल दिया क्या अपडेट के बाद, मे बी जहाँ पे जब उन्होंने लोकेशन चेंज करी होगी तो अपोजिट में डाला होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कॉटन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी।
ठीक है, अपन एक काम कर लेते हैं, पहले अपन पहुंच जाते हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, शॉप पे, ठीक है, एंड वहाँ से भाई अपन थोड़ा अपोजिट में जाके एक्सप्लोर करते हैं, मे बी वहाँ पे मिल जाए, क्योंकि इस तरफ तो मेरे को कॉटन दिखाई नहीं दे रहा, बस ये रोबोज ही दिखाई दे रहे हैं जो कि भाई माबेन एक करने में लगे हुए हैं। ठीक है, फिर वी गो, निकल भाई, निकल 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 जा भाई, मेरे को इनसे पंगे नहीं लेने फिलहाल, अभी लग गए। अरे नहीं 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 नहीं, सीट तोड़ देगा भाई, ये सीट तोड़ दिया ना इसमें दिक्कत हो जाएगी भाई, निकल निकल। ओके रुक जाओ, कंपोनेंट मिला एंड ये हाथ हाथ ये रिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है चलो भाई, अपन पहुंच जाते हैं भाई अपने स्टेशन पे एंड वहां से अपोजिट में जाके देखते हैं वहां पे कॉटन मिलता है या नहीं। Six and a half hours later. ओय होय होय होय, खेत के अंदर से भाई चला रहे भाई गड्डी अपन, मस्त बेकी भाई, एकदम मस्त बेकी भाई खेत के अंदर से। अच्छा खेत के अंदर पलटी नहीं होती है क्या गाड़ी, पता नहीं भाई, रात में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ऊपर से, और मेरा भाई स्टेशन अभी तक भाई बहुत ज़्यादा ही दूर है भाई, हद से ज़्यादा दूर है, पता नहीं इतने भाई इतने अंदर क्यों आया था मैं। ओ भाई दिखाई देने लग गया भाई, ओके ठीक है, दिखाई देने लग गया, उतना भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो ऑलमोस्ट पहुँच गया भाई मैं, ऑलमोस्ट नहीं भाई पहुँच गया समझ लो भाई, पहुँच गया। चलो भाई अभी मेरे हिसाब से रात है ना, तो एक काम कर लेते ना, मेरे पास इतने एम्बर तो होंगे ना, बड़े आराम से मेरे पास इतने एम्बर तो होंगे कि मैं अभी बना सकता हूँ सस्पेंशन, तो इस गाड़ी को जो है ना अभी मैं लगा दूंगा सस्पेंशन। ठीक है, अपन बेस पे वहाँ पे पहुँचते, क्योंकि सस्पेंशन अगर लग जाएंगे ना तो इतनी ज़्यादा पाइप उल्टी पुल्टी नहीं होगी ये गाड़ी। ओके, और इसके साइड में एक और मैं ये पार्ट बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ी सी बैलेंस रहे गाड़ी। ठीक है रुक जाओ, हम पहुँच चुके हैं भाई अपने मंजिल के पास। ओके वेट 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 वेट, अभी ठुकना नहीं लोंडे, अबे यार इतने नज़दीक आके ठुक रही है भाई। ओके ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओके यहाँ पे आ जा, घुमा दे भाई। ओके नाइस, हियर वी गो, अबे यार कहाँ पे चली गई, अच्छा रुक जाओ वापस से उठानी पड़ेगी, मैंने गलती से ये कर दी थी। ओके ठीक है, हियर वी गो, ओके नाइस, उठा ले रे बाबा। ओके डन डना डन डन, ओ यस अपन पहुँच चुके हैं अपने मंजिल पे। अबे कितनी बार पलटी मारेगी भाई ये गाड़ी, भाई टर्न मारने में भाई पलटी मार देती है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको भाई बैलेंस करना पड़ेगा गाड़ी को, मेरे को पता नहीं कैसे करना है भाई। मादर बट अभी कहा है कहा है कहा है कहा है भाई, गाड़ी को रख रहा था भाई, क्यों क्यों चुल मच रही तेरे को, इधर आ उजाले में, उजाले में तेरी पीटी बनाता, आजा 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 आजा, ये आई ची कट कट रहे तेरे, ये आए ला क्या रे दोंडू, निकल निकल पहली फुर्सत में, मेरे को लाइट भी लगानी पड़ेगी यार अपनी गाड़ी को, अपनी गाड़ी को मेरे को लाइट लगानी पड़ेगी इतनी दूर। ओके ठीक है रुक जाओ, अच्छा ये निकालना पड़ेगा। ओके नाइस, फिर भी को चल भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं कोई जल्दी नहीं कोई जल्दी नहीं है कोई जल्दी नहीं कोई जल्दी नहीं। हाँ लगा यहाँ पे, मस्त है की शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ भाई यहाँ पे पलटी करके लगा। ओ भाई 4 किलोमीटर ऊपर उड़ गया भाई मैं डायरेक्टली। ठीक है सस्पेंशन बनाने के लिए क्या चाहिए, कलेक्ट कर ले भाई। ठीक है सस्पेंशन सस्पेंशन, कहाँ पे चले गए भाई, ओ भाई ये वाली बना दूँ क्या भाई, ये कौन से सस्पेंशन है भाई, ये वाले खतरनाक है यार, ये कौन से है भाई, ऑफ रोड सस्पेंशन है, लेकिन ऑफ रोड के लिए भाई ये थोड़े से लंबे पड़ जाएंगे ना, ये क्या है स्पोर्ट सस्पेंशन ना, ऑफ रोड जब अपन बड़ी गाड़ी बनाएंगे ना तब ऑफ रोड यूज करेंगे। ठीक है फिलहाल के मेरे को ये मेटल चाहिए, एंड ये मेटल बनाने के लिए मेरे को भाई ये वाटर चाहिए होगा भाई, और ये मेटल चाहिए होगा, ये मेटल तो मैं बना सकता हूँ भाई, लेकिन मेरे को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। रुक जाओ यहाँ पे सामान ड्रॉप करने दो, यहाँ पे सामान रह जाता है ना जो मैं ड्रॉप करता हूँ, गायब हो जाता है, ये सामान गायब हो गया क्या, मैं जो सामान ड्रॉप करता हूँ गायब हो जाता है क्या, भाई स्टोरेज बॉक्स बना ले चुपचाप, मेरे को लगा रह जाता है भाई। ठीक है ये कलेक्ट करना है, उसके बाद ये मेटल ब्लॉक बनाने, रुक जा ये मेटल ब्लॉक बना ले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को लगा भाई गायब रह जाता है यार, गायब हो गया भाई वो सामान वहाँ पे, मैंने जो ड्रॉप किए थे वो टायर्स जो ड्रॉप किए थे ना वो गायब हो गए। रुक जाओ ये रे, ये भी बना ले, ओके नाइस, फिर वी गो भाई, मेरे को भाई यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा, रुक जाओ ये रहा ना, हाँ ये रहा, चेस्ट बनानी पड़ेगी, और यार ये चाहिए मेरे को। ओके ठीक है रुक जाओ, और राइट क्राफ्ट कर ले, मेरे पास स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा बचा नहीं है, मैंने सोचा था मैं सस्पेंशन बना लूँगा यार अभी, लेकिन सस्पेंशन अभी बना नहीं सकता मैं। ठीक है मेरे पास एम्बर तो है, ठीक है मेरे पास एम्बर तो है, लेकिन ये वाटर जो बकेट है ना ये भी बन जाएगी, ये बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ये बनाने के लिए कहाँ पे चली गई भाई, वो कहाँ पे ये बकेट्स कहाँ पे वाटर की, अच्छा यहाँ पे नहीं है क्या, ये होगी तो सही, मैंने देखी तो थी भाई, मैंने देखी थी ये बकेट्स, क्या है वाटर, अच्छा वाटर चाहिए क्या उन, अगर मैं इसके अंदर अगर वाटर भर के लेके आऊँ तो, इसके अंदर वाटर बकेट के अंदर अगर वाटर भर के लेके आऊँ तो काम बन जाएगा ना अपना, तो काम बन जाएगा, लेकिन भाई एक या दो सस्पेंशन से अपना काम नहीं भाई, 4 लगाएंगे तभी अच्छे से चलेंगे, एक या दो लगाएंगे तो आड़ी टेढ़ी इधर उधर घूमते रहेंगे, तो अभी सस्पेंशन बनाने से कोई फायदा ही नहीं है अपन का। ठीक है हम बना लेते हैं यहाँ पे भाई, और मेटल चाहिए क्या भाई, कितना मेटल भाई मांगता है तेरे को, ठीक है एक ही बॉक्स बन सकता है ना, एक चेस्ट बना लेते हैं, उसमें भाई अपना इंपॉर्टेंट जो भाई हम यूज़ नहीं कर रहे ना फिलहाल सामान, वो उसके अंदर हम रख देते हैं। ठीक है एंड भाई गाड़ी इधर आ जा, गाड़ी इधर आ जा, तो कुछ ज़्यादा ही भाई टर्न मारने पर ऐसे घूम क्यों रही है, ये मेरे को कुछ फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, शायद मेरे को और चोरी करनी चाहिए क्या ये गाड़ी,
और चोरी कर दूँ क्या? और चोरी करने के लिए मेरे पास मटेरियल बचा ही नहीं है भाई, सारा मटेरियल मैंने इसमें डाल दिया यार, शिट यार। ठीक है चलिए बना दे भाई। और चाहिए भाई कितना? और बचा ही नहीं है भाई, और बचा ही नहीं, और कितना मेटल लेके दूँ इसको मेरे को भाई? माइनिंग का वो करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी शायद। माइनिंग ड्रिल काय की बन रही है भाई? माइनिंग ड्रिल के लिए भी वही चाहिए यार, इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेटल मिल सकता है यार। लेकिन उसके लिए भाई भाई यार गरीब हूँ यार मैं, रुक जाओ। इसके लिए मेरे को रोबोट्स को मारना पड़ेगा। चल भाई अंधेरी रात में भाई। अच्छा इसमें लाइट लगाने के लिए क्या चाहिए बता भाई? लाइट तो लगा दूँ गाड़ी में अपने, लाइट तो बन सकती है ना भाई। लाइट बना ले भाई, लाइट बना ले, दो लाइट्स बना ले भाई, गाड़ी में लगा दूंगा मस्त बेकी। ठीक है हाँ, यहाँ पे आगे की तरफ लाइट लगा दूंगा अभी भाई। एक रोबो ढूंढ के मार के आता हूँ, रुक जाओ। रोबो वहाँ पे अंदर तो होगा ना एक, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। अगर वो अंदर होगा ना उसी को मार देता हूँ, वरना भाई मेरे को भाई बाहर घूम के है ये तो सही। हाँ भाई नाइस नाइस, तेरा तो इंतजार था भाई, तेरे को ढूंढ ढूंढ के आया था मैं यहाँ पे। रुक रुक तेरी जात का वड़ा पाव मारो भाई, रुक ले भाई नाइस। चल भाई रिफाइंड कर ले, अपना काम बन गया, रुक जाओ। अभी वहाँ पे जाके मेरे को एक स्टोरेज बॉक्स बनाना है, उसके बाद भाई अपने गाड़ी को लाइट्स बीट्स लगा देते और काम खत्म भाई, काम खत्म। ओके वो जो बाकी गाड़ी अपग्रेड करना है ना, सस्पेंशन विस्पेंशन, उसके लिए मेरे को भाई सस्पेंशन तो अभी बना सकता हूँ मैं, उसके लिए वाटर बकेट बनानी पड़ेगी ना। ओके वाटर बकेट के लिए क्या चाहिए? वाटर बकेट बनेगी क्या? वो वाटर बकेट के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, और मेरे पास एक वाटर बकेट आई थिंक होगी पहले से पड़ी हुई, रुक जाओ। ओके लाइट जो है ना, लाइट्स लगाने के लिए मेरे को बनाने पड़ेंगे ये पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, वो कहाँ पे ये रहे, बेरिंग्स बनानी पड़ेंगी ना, दो बेरिंग्स लगेगी लाइट लगाने के लिए, एंड उनको वायर करना पड़ेगा इंजन से। ठीक है एंड उसको ऑन ऑफ शिप ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाता ना, बाद में लगा दूंगा, अभी तो मटेरियल भी नहीं है भाई ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है ये ले भाई ओके। स्टोरेज बॉक्स बन सकता है क्या? अच्छा नहीं, अभी इसके लिए वो कम पड़ गया ना एक। हाँ ये बना ले भाई, ये बना ले भाई, एक क्या भाई दो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से बन सकता है। एंड एक स्टोरेज बॉक्स बना दूंगा, एंड काम खत्म अपना, लेट्स गो। चलो भाई मैंने जो मटेरियल लाया था वो बचा है ना या फिर खत्म हो गया यार ये सारी चीज़ें बनाने में? भाई खत्म नहीं। अबे यार एक रोबो को मार के आया था भाई, क्या करें, रुक जाओ एक और रोबो ढूंढना पड़ेगा। वेट अंधेरी रात में इस रोबो के साथ में, चलो भाई ले भाई। भाई तेरे से एक भी ईंट नहीं खाऊंगा मैं, मजाक समझ रखा है। ठीक है चलो ये रिफाइन कर लेता हूँ, एंड भाई अपन निकल लेते हैं, अपना काम बन गया। अभी भाई स्टोरेज बॉक्स बना लेते हैं और गाड़ी को अपने लगा देते भाई खतरनाक वाली लाइट्स। ओके ओके चलो यहाँ पे सबसे पहले भाई ये स्टोरेज बॉक्स बनाया जाए भाई, इससे पहले कि मैं सारा सामान किसी और चीज़ में लगा दूँ भाई। स्टोरेज बॉक्स बना दूँ, यहाँ पे मेरे को लाइट लगानी है ना, वन एंड ये टू लाइट्स। देन कोई तो आ गया क्या? किसी का आवाज़ आ रही थी, कोई आया है क्या यहाँ पे? किसी रोबो की आवाज़ आ रही थी मेरे को, वो रोबो का एक पार्ट वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ भाई वो मैंने उठाया नहीं है। ओके ठीक है भाई, गाड़ी हाँ यही है ना आगे की साइड, हाँ नाइस। डायरेक्ट लग गई क्या वही? डायरेक्ट लग जाती है क्या? मैंने बेरिंग क्यों बनाई फिर? मेरे को अब बेरिंग्स लगेगी क्या भाई? डायरेक्ट लग गई, नाइस एक्सलेंट वर्क। ओके और यहाँ पे बॉक्स में सामान डाल दूँ सारा, रुक जाओ बॉक्स बना दे भाई। ओके कितना टाइम लगेगा बॉक्स बनने में? ओके वन मिनट लगेगा ना। ठीक है बॉक्स बनने के बाद उसमें सामान डाल लेते हैं, और एक काम कर लेते हैं इस तरफ ना, मैं इस डायरेक्शन में देख के आता हूँ कि मेरे को वहाँ पे वो क्या चाहिए यार, क्या बोलते हैं कॉटन ही बोलते हैं ना, वो कॉटन मिलता है कि नहीं मेरे को बनाने भाई ये ब्लॉक। एंड इसके लिए अच्छा ये ब्लॉक बनाने के लिए कॉटन नहीं चाहिए, सस्पेंशन के लिए क्या चाहिए भाई? सस्पेंशन के लिए ये ब्लॉक चाहिए ना भाई, कॉटन किस लिए? अच्छा कॉटन मेरे को सीट बनानी है ना, हाँ ये सीट के लिए मेरे को 5 कॉटन चाहिए। ठीक है तो वहाँ पे जाके देख के आते हैं भाई कॉटन मिलता है कि नहीं। ओके रुक जाओ ये भाई बनने दो। ओके चलो भाई अपना भाई चेस्ट तो बन गया भाई, अपने एक बैग तो बन गई, इसके अंदर कितनी स्टोरेज है? ओके ज़्यादा स्टोरेज तो नहीं है। ठीक है गैसोलीन डाल दे, ये डाल दे, बैटरीज डाल दे, ये खाने पीने का मेरे पास रखने दे, कंपोनेंट्स भी रखने दे, ये जो फार्मिंग की चीज़ें हैं ना ये यहाँ पे डाल दे, ये मेरे फिलहाल के लिए किसी काम की नहीं है। ओके सीड्स डाल दे, ये डाल दे, सीड्स सारी वहाँ पे डाल देता हूँ, ये डाल ये डाल ये डाल ये भी डाल, बैटरीज डाल। ओके ऑलराइट, और ये जो सामान यहाँ पे मैंने फेंका हुआ था ना, ये सारा यहाँ से उठा के मैं डाल देता हूँ उसके अंदर। ठीक है अभी यार वो तो फुल भाई इतने जल्दी फुल भी हो गया, मेरे को बहुत जल्दी भाई फार्मिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास फार्मिंग का ही सामान है। ओके अब एक काम कर लेते अपन निकल लेते उस तरफ, इस तरफ अपन देख के आते एक्सप्लोर करके कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ है भाई। चढ़ जा भाई चढ़ जा, अच्छा नहीं चढ़ रहा, एक मिनट रुक जा एक मिनट रुक जा। ओके ठीक है डाल दे, ऑल राइट हियर वी गो, डन डना डन डन, लेट्स गो माई फ्रेंड। बस इस तरफ अगर मेरे को कॉटन मिल जाए ना तो मेरी आज सीड बन जाएगी भाई। भाई यार ले भाई ले भाई, वो भी आ गया, मैंने नीचे क्या लगा दिया, मेरे सर्किट बोर्ड लगाया क्या मेरी गाड़ी के नीचे गलती से? यस लग तो ऐसे ही रहा है, मेरे को लगता नहीं यहाँ पे भी कॉटन मिलेगा इस डायरेक्शन में। ये बड़ी सी फैक्ट्री दिखाई दे रही है बस मेरे को, अरे बाप रे क्या ही उड़ रही है भाई गाड़ी, सीधी हो जा नाइस एक्सलेंट वर्क। ओके इस डायरेक्शन में क्या है एक्चुअली, मैं एक बार देख लूँ।
इस डायरेक्शन में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, पूरा मैप चेंज कर दिया यार इन्होंने, पूरा मैप चेंज कर दिया है क्या? लग तो ऐसे रहा है भाई, ये कब था यहाँ पे भाई? कम्युनिकेशन टावर, ये कब था यहाँ पे? किससे कम्युनिकेट करोगे भाई? भाई ले भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये गाड़ी के नीचे जो लगाया वो सर्किट बोर्ड है ना, ये निकाल दे एंड ये निकाल दे। मेरे को लगता नहीं यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें मिलने वाले यार जो मैं ढूंढने वाला हूँ। ये भी मिल्क फैक्ट्री है क्या वो? भाई ये क्या चीज़ है? अबे ये तो अभी तक यहीं पे है, ये क्यों नहीं चेंज किया भाई इसका किन्होंने? ये क्यों नहीं चेंज किया? ये तो यहीं पे अभी तक, ये देख रहे हो यहाँ पे हम आके अपने भाई जो सब्जियाँ है ना वो बेच सकते हैं, और यहाँ से हमको कुछ इनको इनके बॉक्स बना सकते हैं हम सब्जियों के, ठीक है? सब्जियों के बॉक्स बना के अपन भाई वो काली पहाड़ी पे जाके ना उस बुढ़ाव को बेच सकते हैं। बस यहाँ पे मेरे को ये नहीं मिल रहा यार, कॉटन के कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहे। रुको मैं ढूंढ लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ कहीं पे मिलते कि नहीं। मेरे को लगता नहीं गाइस, मेरे को इस जन्म में तो कॉटन मिलने वाला है भाई, मेरे को लगता नहीं भाई, मेरे को इस जन्म में तो कॉटन नहीं मिलेगा भाई, पक्का 100% भाई। कितना घूम चुका हूँ भाई मैं लिटरली भाई, इधर से उधर भाई, जाए जा रहा हूँ लेकिन भाई मेरे को कॉटन ही नहीं दिखाई दे रहा यार, पता नहीं कहाँ पे। गाइस अगर किसी को पता होगा किस डायरेक्शन में और कहाँ पे कॉटन मिलता है तो मेरे को बता देना यार नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसकी तो फिलहाल के लिए सख्त ज़्यादा ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मिनट रुक जाओ, इस बुढ़ाव को भाई विजिट करके आते हैं अपन, अगर आ ही गए तो भाई बुढ़ाव को विजिट करके आते, क्या पता बुढ़ाव कुछ अच्छी चीज़ दे दे हमको, ठीक है? ये रहा भाई, यहाँ पे हमको फार्मिंग करके सारी जो चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे बेचनी पड़ती है। भाई तोड़ दे भाई, तोड़ दे भाई, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गए रुक जाओ, ओके भाई लैगम लैग भाई, बुढ़ाव के घर पहली बार आया हो इसलिए, बुढ़ाव कुछ तो चीज़ दे दे भाई अच्छी वाली हमको। वैसे फोकट में कुछ देता नहीं है लेकिन फिर भी ओके, हियर वी गो, नाइस। ओ भाई यहाँ पे भाई पौधे भी दे लगा दिए भाई लोंडे ने, ओके ऑल राइट। हेलो सर, कस्टमर आ गया सर, ओपन करिए सर। अरे कैसे हो बुढ़ाव सर जी? ये चाहिए मेरे को पोटैटो गन चाहिए। कौन सी है यार? ये नहीं, कौन सी भाई? पोटैटो गन कौन सी होती है? ये वाली है शायद, हाँ ये पोटैटो गन चाहिए यार मेरे को कुछ भी करके। ओ ये किससे मिलेगा? ये तो मैं बना लूँगा भाई, ये तो बना लूँगा तेरे को फार्मिंग करके देने से अच्छा, ठीक है? ये देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से लेनी पड़ती है। ये क्या है भाई? पोटैटो एमो, अच्छा पोटैटो एमो कंटेनर भी होता है क्या? ओके ठीक है भाई, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है। फिलहाल के लिए हम ये चीज़ें उठा के यहाँ से निकल लेंगे, फ्री में चीज़ें मिल रही है लेके निकल लेते हैं, ओके ठीक है। चलो गाइस, तो भाई अभी तो हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे, ठीक है? मैं ऑफलाइन में क्या करूँगा बताया, ऑफलाइन में बहुत सारे रोबोट्स को जो ना मार के उनसे भाई स्क्रैप मेटल जो उनका होता है ना वो इकट्ठा करके रख दूंगा, ताकि अगले एपिसोड में हम सस्पेंशन बना लेंगे। एंड भाई सोच रहा हूँ मैं अगले एपिसोड में भाई फार्मिंग कर लूँ, एक बार अगर मैं फार्मिंग करना शुरू कर दूँ ना तो रेड आना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी कर नहीं रहा था। मैं सोच रहा था मेरी गाड़ी एक बार परफेक्ट बन जाए ना तो उसके बाद मैं फार्मिंग कर लूँगा, लेकिन भाई उन्होंने लोकेशन ही बदल दी है, क्या हुआ है या फिर मैं लोकेशन भूल चुका हूँ मेरे को पता नहीं, ठीक है? मेरे को वो मिल नहीं रही चीज़ जो मेरे को चाहिए, मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना यार, ठीक है? कहाँ पे मेरे को मिलेगा कॉटन करके, ठीक है? तो गाइस आज का जो स्क्रैप मैकेनिक का एपिसोड है इस एपिसोड में बस इतना है, आपसे मिलते हैं स्क्रैप मैकेनिक के अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और गाइस हमारी गड्डी भाई कैसे लेकर नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं गाइस स्क्रैप मैकेनिक के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up, we were okay.